स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 5C. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट 5 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो हमें यहाँ पे दिए गए फ्रैक्शंस के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. देखिए फर्स्ट 3/4. 3/4 में आप देखोगे कि अगर आप उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से फाइंड मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता है. ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट देखिए 3/4 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा क्या 6/8. ठीक है, 6/8 आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आप हमको जो है 5 फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या करोगे. नेक्स्ट आप जब करोगे तो आप नेक्स्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई, आपने 2 से किया आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो. तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 9/12. ठीक है, फिर इसके बाद आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो. जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख रहे हो जब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आ रहा है 12/16. ये आपका आंसर है. ठीक है, इसी तरह आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आएगा 15/20. इसी तरह आप जो है 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18/24. तो ये आपका 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/4 के मिल जाएंगे आपको. ठीक है, इसी तरह आप 5/7 का भी फाइंड आउट कर सकते हो जैसा कि इसमें दिया हुआ है. देखो आप 5/7 का जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, 6 से, 7 से, तो इस तरह से आपको आपके नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलते चले जाएंगे. ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चंस सॉल्व करते चले जाओगे. ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट. देखिए अभी हम 2/3 का फाइंड आउट करना चाहते हैं 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो देखिए हमने 2/3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में. तो आप देखोगे कि 4/6 हमें मिला. देन आप क्या करो, 2/3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें नेक्स्ट मिल जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 6/9 हो जाएगा. इसी तरह आप इसको नेक्स्ट नंबर से आप मल्टीप्लाई करते चले जाओगे तो आपको नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 2/3 का मिलता चला जाएगा. ठीक है, इस तरह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो हमें यहाँ पे कुछ पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इनको हमको फाइंड आउट करना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं है. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज 5/6 20/24. तो हमें इनका हमें चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं है इन दोनों. तो आइए इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम 5/6 एंड 20/24 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वाले फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर एंड सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से सेकंड वाले न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5 × 24 हो गया, जिसकी वैल्यू आ रही है 120. ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हो 6 × 20, इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है 120. दैट्स मीन दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद दोनों ही प्रोडक्ट की वैल्यू 120 ही आ रही है. तो इसका मतलब ये है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. ओके, नेक्स्ट आप देखोगे 3/8 एंड 15/40. 3/8 का आप जब 3/8 एंड 15/14 का जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप देखोगे
थ्री इंटू टेन की वैल्यू क्या आ रही है, यानी इसका प्रोडक्ट आएगा 120 40 है ना, तो यहाँ पे 3 × 40 है, तो इसकी वैल्यू आएगी 120। ठीक है, अभी आप देखो 8 × 15 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 120। दैट्स मीन सेकेंड वाला भी पेयर्स क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में है। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं, कुछ फोर्थ को देखें तो 2/9 and 14/63। ठीक है, अगर इनका हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आंसर आ रहा है, चलिए इसको देखते हैं। तो ये आएगी वैल्यू 2 × 63 दैट इज 126। ठीक है, एंड 9 × 14 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू आएगी 126। दैट्स मीन ये शो कर रहा है कि ये दोनों भी पेयर्स क्या है, ये भी पेयर भी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में है। ठीक है, ये क्वेश्चन टू का थर्ड देखेंगे आप, तो आप देखो इन दोनों फ्रैक्शंस में आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो देखिए आप क्या आंसर आता है। देखिए हमने इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो अब आप देखोगे कि 4 × 21 = 84। ओके, एंड 7 × 16 की वैल्यू आएगी 112 यानी 112। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो दोनों के ही प्रोडक्ट डिफरेंट आ रहे हैं, दैट्स मीन ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये फ्रैक्शंस के, ये जो फ्रैक्शंस का पेयर है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, फिफ्थ में आप देखोगे 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, एंड 9/24 के बीच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया आपने। ठीक है, जब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो देखेंगे आप 1 × 24 प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 24 इसका, एंड देन 3 × 9 तो प्रोडक्ट आ रहा है 27। दैट्स मीन दोनों ही प्रोडक्ट डिफरेंट है, इसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्वेश्चन 3 में आप देखोगे फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग, देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट डिनोमिनेटर दिया हुआ है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का बट न्यूमरेटर नहीं दिया हुआ, सेकेंड में न्यूमरेटर दिया है बट डिनोमिनेटर इज नॉट गिवन, तो वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप देखो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपका क्या है बनाना है, तो आपको गिवन फ्रैक्शन क्या है 3/5, गिवन फ्रैक्शन क्या है आपका 3/5 दिया हुआ है, बट आपका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो 9/30 है, हमें न्यूमरेटर की वैल्यू नहीं पता है, तो आप क्या करो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आएगी 5 and = आपका 3 × 30। ठीक, 3 × 30 हो जाएगा, तो अब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 × n = 90। ठीक, 5 × n की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब आप क्या करोगे, जो 5 × n = 90 था, अब आप n 5 को इससे डिवाइड, 5 से डिवाइड कर दोगे 90 को, तो अब आपकी वैल्यू जाएगी 90/5, और जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है, तो अब आपका जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, आइए देखते हैं, तो 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा, दैट विल बी 18/30। ठीक है, 18/30 बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड में, न्यूमरेटर इज गिवन बट डिनोमिनेटर इज नॉट गिवन, तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है 3/5 का, तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, बट डिनोमिनेटर की वैल्यू इज नॉट गिवन,
तो हमने इसको डी मान लिया, ठीक है। तो अब आप देखो क्या करना है आपको, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू डी इक्वल टू 24 इंटू 5, ठीक है। तो अब आपकी वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू होगी 3D इक्वल टू 120, ठीक 120 होगी। अब आप 3 से इसको डिवाइड कर दो तो D की वैल्यू आ जाएगी 120/3, ठीक है। तो अब आप जब इसको डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 40। तो D की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, दैट विल बी 40। तो आपका फ्रैक्शन क्या बना, 24/40, ठीक है। तो अब आपका जो है 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बना, ये हुआ 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 24/40, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि अगर 3/5 में 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 24/40 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9 हैविंग, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डिनोमिनेटर 54 एंड सेकंड में न्यूमरेटर 35। तो देखिए आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 5/9, ठीक है, एंड फर्स्ट वाले में आप देखो न्यूमरेटर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट डिनोमिनेटर इज़ गिवन, दैट इज़ 54, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इंटू एन इक्वल टू 5 इंटू 54, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इसको आप 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हमें एन की वैल्यू पता चल जाएगी, तो एन इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 54/, आप देखो क्या होगा, 9, ठीक है। फिर आप 9 से जब इसको डिवाइड करते तो 6 आ जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n इक्वल टू 5 इंटू 6, तो आपकी वैल्यू जाएगी n इक्वल टू 30, ठीक। तो आपको n मिल गया, तो आपने n फाइंड आउट कर लिया, तो आपका जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या होगा, 30/54। तो आप देखो 5/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, दैट विल बी 30/54, क्योंकि अगर आप इसमें दोनों में 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो देखोगे आप 5/6 = 30 होता है, 9/6 = 54, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया आपका, ओके। इसी तरह आप सेकंड में भी आप कर सकते हो, न्यूमरेटर 60 है तो ये न्यूमरेटर 35 है, तो 5/9 न्यूमरेटर आपको पता है, दैट इज़ 35, ठीक है। और डी नहीं पता है तो डी आप यहाँ पे राइट करो, और फाइंड आउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू तो हो जाएगा 5D देन इक्वल टू 35 इंटू 9 हो गया, ठीक है। अब आप 5 से इसको डिवाइड करो 35 इंटू 9 को, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 35 इंटू 9 बाई 5 इक्वल टू डी। तो आप 5 से जब इसको डिवाइड कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डी इक्वल टू 7 इंटू 9, दैट विल बी 63। तो डी की वैल्यू हमारी आएगी 63। तो आपका फ्रैक्शन बनेगा 35/63, ठीक, ये आपका फ्रैक्शन बन गया। तो अब आपका 5/9 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन रहा है सेकंड वाले में, वो बन रहा है 35/63। तो आप देखो 5 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 7 = 35, 9 × 7 = 63, तो आपका ये इक्विवेलेंट। रिड्यूस 21
बाय 35 टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको रिड्यूस करके उसके सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स ऐसा फॉर्म जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए न्यूमरेटर 21 है एंड डिनोमिनेटर 35 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नंबरों का एचसीएफ फाइंड आउट कर लो, ठीक है। जब आप एचसीएफ फाइंड आउट कर लोगे देन उस एचसीएफ से आप जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही डिवाइड कर लोगे, ठीक है। जब डिवाइड कर लोगे तो जो आपको फ्रैक्शन मिलेगा दैट विल बी द योर आंसर, मतलब वो आपका जो फ्रैक्शन होगा वो उस जो दिया यानी गिवन फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसके लिए आइए करते हैं, देखिए इसमें देखिए आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। द फ्रैक्शन इज़ 21/35, ठीक है। इसका न्यूमरेटर क्या है आप देख रहे हो 21 एंड डिनोमिनेटर क्या है 35, ओके। तो आप इसका एस सी एफ फाइंड आउट कर लो, तो आप देख रहे हो इसका एस सी एफ क्या आ रहा है 7, ठीक है। 21 एंड 35 का जो एस सी एफ है वो 35 का जो एस सी एफ है वो 7 है, ओके। देन आप क्या करो कि अब इस एस सी एफ से जो है 21 एंड 35 यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। देन यू विल गेट 3/5, मीन्स आप क्या पाओगे 3/5, तो 3/5 क्या होगा, इट विल बी द रिड्यूस फॉर्म ऑफ 21/35, ये 21/35 का रिड्यूस फॉर्म होगा, ओके। क्वेश्चन 9, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन है 9/15, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे 9 एंड 15 का आप एस सी एफ फाइंड आउट कर लो, तो दैट विल बी 3, 9 एंड 15 का जो एस सी एफ होगा दैट विल बी 3 होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे इसमें फ्रैक्शन 9/15 के न्यूमरेटर को 3 से डिवाइड कर दो एंड जो डिनोमिनेटर है उसको 3 से डिवाइड कर दो और न्यूमरेटर को भी 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 3/5, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा और सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स इसको फर्दर रिड्यूस ना किया जा सके, और इसका जो एस सी एफ होगा 3/5 मतलब 3 एंड 5 का वो 1 होगा, तो आप देखोगे कि इसको फर्दर आप रिड्यूस नहीं कर पाओगे, तो इसका आंसर 3/5 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए 48/60 है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब आप देखोगे इसका जो एस सी एफ आएगा 48 एंड 60 का दैट विल बी 12, उसका जो एस सी एफ होगा वो 12 होगा, ठीक है, 48 एंड 60 का। तो आप 48 एंड 60 को 12 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपने न्यूमरेटर में भी 12 से डिवाइड कर दिया एंड डिनोमिनेटर में भी 12 से डिवाइड कर दिया, देन आप क्या देख रहे हो आपका आंसर आ रहा है 4/5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब आप देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि इसका एस सी एफ आप देखोगे 4 एंड 5 का, देन इट विल बी 1, मतलब इन दोनों का जो एस सी एफ होगा वो 1 होगा, ठीक है, तो इसको फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 3, 84/150, यहाँ पे आप देखोगे इनका जो 84/98 है, सॉरी ये देखेंगे आप 84/98, ओके। तो इनका जो आप एस सी एफ फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा 84 एंड 98 का जो एस सी एफ होगा दैट विल बी 14, ठीक है। तो आप इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो 14 से, ओके, देन आपका आंसर क्या होगा 6/7, ठीक। तो ये आपका रिड्यूस फॉर्म में करने पे ये रिड्यूस फॉर्म आया और ये रिड्यूस फॉर्म ही सिंपलेस्ट फॉर्म है,
ठीक है। चलिए अब जो है आप क्वेश्चन नंबर वो एन फिफ्थ को इसी वे में सॉल्व कर पाएंगे। ओके क्वेश्चन टेन देखिए, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको ये दिखाना है कि ये जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए इसके लिए आपको जो फ्रैक्शन है, हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन आप देख रहे हो क्या है, फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा क्या है 8/11, ठीक है 8/11 हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है। तो आप क्या करो 8 and 11 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लो, मीन्स इनका एचसीएफ फाइंड आउट कर लेना है हमें, ठीक है। जब हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो आप देखोगे इसका एचसीएफ क्या आएगा 8 and 11 का, दैट विल बी 1। 8 and आप देखोगे 8 and 1 का एचसीएफ जो होगा दैट विल बी 1, ठीक। तो अब आप जो है 8/11, ठीक है, न्यूमरेटर को भी 1 से डिवाइड कर दो एंड डिनोमिनेटर को भी 1 से डिवाइड कर दो, तो आप देखोगे आपको वही फ्रैक्शन मिल जा रहा है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है ये, ठीक है 8/11 इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/14, ठीक है। तो 9/14 अब देखिए इनके बीच में कोई कॉमन जो है फैक्टर नहीं है, ओनली 1 केवल है। तो आप देख रहे हो इन 9 and 14 का जो एचसीएफ आएगा दैट विल बी 1, ठीक है। जब 1 आएगा तो आप जब 9 and 14 को डिवाइड करोगे तो ये जो फ्रैक्शन है वही आएगा, ठीक है। तो आपने इसको 1 से डिवाइड कर दिया तो इसका फ्रैक्शन क्या रहा है 9/14, सो इट इज़ इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। देखिए आप 25 and 36 का देखिए एग्जांपल, ठीक है। अब आपको किसी ऐसे नंबर से इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा, इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा जिससे कि इन दोनों को डिवाइड किया जा सके, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इसका एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। जब एचसीएफ 1 आएगा तो हम जो है 25/1 and 36 is divided by 1 कर सकते हैं, देन आपका फ्रैक्शन क्या आएगा 25/36। तो हम कह सकते हैं ये 25/36 इज़ इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बस उनका एचसीएफ फाइंड आउट कर लीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का और उससे फ्रैक्शन को डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके चलिए अब हम लोग चलते हैं नए क्वेश्चन पे। ओके क्वेश्चन 11, रिप्लेस ब्लैंक बाय करेक्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, पेयर ही दिया हुआ फ्रैक्शन का, हमें उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। न्यूमरेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड में आप देख रहे हो न्यूमरेटर नहीं दिया हुआ है, डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो हम देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए 2/7 का इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, ठीक। तो आपको क्या पता है, आपको न्यूमरेटर पता है बट यू डू नॉट नो अबाउट द डिनोमिनेटर, आपको डिनोमिनेटर के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसकी वैल्यू जाएगी 2 into D = 7 into 8, ठीक। ये इस तरफ से हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी वैल्यू आएगी 2D = 56 एंड देन आप 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो D = 56/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 28। ओके तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी 28। देखिए 2/7 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना है दैट इज़ 8/28। ओके चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन है 3/5 इक्वल टू प्लैंक बाय 35, मींस आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे न्यूमरेटर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सो वी कैन फाइंड आउट द न्यूमरेटर। तो ये आपका ब्लैंक है, तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर की जगह एन फॉर न्यूमरेटर यानी एन राइट कर सकते हैं, देन यहाँ पे हम 35, ओके। अब आप इसका क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन क्या होगा, 3 × 35 इक्वल टू 5 × n हो जाएगा, ठीक है। देन आप इसका मल्टीप्लाई कर दिया आपने, फिर आप 5 से 3 × 35 को डिवाइड कर दो, ठीक है, तो n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो n इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 × 35/5, देन इसको आप 5 से डिवाइड करो 35 को, तो 7 आएगा, देन n की वैल्यू हो जाएगी 3 × 7, एंड 3 × 7 की वैल्यू हो जाएगी n इक्वल टू 21। तो आपका फ्रैक्शन क्या बना, देखिए 3, तो आपका फ्रैक्शन होगा 3/5 इक्वल टू 21/35, ओके। इसी तरह आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है, इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन हैं सॉल्व